तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता चुकी थी जो इस ब्लाउज में आप लोग इस फ्लावर को कैसे डालिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बनकर कंप्लीट हो गया है और इसको मैं सारे पार्ट को जॉइंट कर ली हूँ और इसकी सिलाई भी कर ली हूँ और उसके बाद यहाँ मैं क्रोशिया से इसको थोड़ा सा सजाई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं तीन तीन चेन डालकर सिंपल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट की हूँ पूरे बाजू में और फिर इसमें तीन डबल क्रोशिया बनाकर फिर यहाँ पर एक एक चेन में मैं चार डबल क्रोशिया बनाई हूँ और सिंपल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट करके इसको देखिए लैस के रूप में इसको यहाँ पर मैं बनाई हूँ। तो ये देखिए इसका बाजू है और इसी तरह से आप लोग इस दोनों बाजू में इस तरह से किनारी बना लीजिएगा क्रोशिया की मदद से। और इस और यहाँ भी आगे मैं सिर्फ तीन चेन डाल कर तीन चेन डालकर यहाँ थोड़ी दूर पर इसको मैं सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट करती गई हूँ। तो यहाँ गला से लेकर नीचे तक और फिर ये जो पीछे का भाग है इसमें भी मैं सिर्फ यहाँ पर तीन चेन डालकर सिर्फ सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट करती गई हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा ब्लाउज का लंबाई ज़्यादा हो गया था। अगर आप लोग इसका छोटा बनाइएगा एक बीता इसकी लंबाई पूरी रखिएगा तो आप लोग जिस तरह से बाजू में ये बनाए हैं इस तरह से आप लोग नीचे भी बना लीजिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स जहाँ पे बटन पट्टी और होल है इसका तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग चेन डालकर इसको सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लीजिएगा। और गला से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जो गला से आपको फिर तीन चेन डालकर सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट करते जाना है थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ी थोड़ी दूर पर और फिर इस चेन के अंदर में आपको चार डबल क्रोशिया बनाकर सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट करते जाना है। तो आगे से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स जो पीछे से लेकर पीछे ये पूरा गला और फिर पीछे पूरा करने के बाद फिर आगे इस तरह से पूरा करके इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और एक लंबी डोरी बना लीजिएगा आप लोग चाहे तो इसको तीनों कलर का ऊन को मिक्स करके एक डोरी बना लीजिएगा। अगर आप लोग एक कलर का बनाना चाहते हैं तो आप लोग उसको दोहरा कर लीजिएगा ऊन का ऊन को ताकि ये थोड़ा सा मोटा आपका ये डोरी बन जाए। तो फ्रेंड्स आपको जितना लंबा डोरी बनाना हो तो आप लोग अपने पसंद के हिसाब से एक लंबा सा डोरी बना लीजिएगा। और डोरी में आप लोग देखिए ये फ्लावर बना लीजिएगा और इस फ्लावर के जगह में आप लोग पम पम भी बना सकते हैं। तो आप लोग गोल वाला भी पम पम बनाकर इसमें सुई की मदद से डोरी में सिलाई कर लीजिएगा और लंबा वाला भी बनाकर इसमें ज्वाइंट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये आज का लेडीज़ ब्लाउज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। तो फ्रेंड्स अगर ये आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।